मध्य प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के कार्यक्रम के बाद से ही मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास के सभी जिलों में आदिवासी वोट बैंक को साधने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस पूरे खेल में लगातार जुटी हुई है और जितने भी वोट बैंक जो आदिवासी वोट बैंक है उसको साधने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भोपाल में जिस प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, जो काफ़ी कार्यक्रम अच्छा रहा था, उसी के बाद से ही अब इंदौर ज़िले में पाताल पानी में एक बड़ा कार्यक्रम 4 दिसंबर को होना है। 4 दिसंबर के दिन टंटिया मामा की बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा और एक बड़ा आयोजन यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है, जहाँ पर तकरीबन लाखों लोगों की जुटने की संभावना है और लाखों वोट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जुगाड़ने की तैयारी मध्य प्रदेश में की जा रही है, क्योंकि काफ़ी समय से जो आदिवासी वोट बैंक है उसको साधने की तैयारी पुरजोर तरीके से की जा रही थी। उसी के बाद कई प्रकार के आयोजन यहाँ पर किए गए। अब ये जो बलिदान दिवस के रूप में कार्यक्रम होना है, काफ़ी बड़े स्तर पर होगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, कार्यक्रम की रूपरेखा बन चुकी है। कार्यक्रम में किस किस प्रकार के आयोजन यहाँ पे होंगे उसकी भी पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है और अब यहाँ पर कई प्रकार के जो है कार्यक्रम के दौरान कई ऐसे आयोजन होंगे जिसमें यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे और शिरकत के बाद कई घोषणाएँ यहाँ से की जाएगी, ताकि उन आदिवासियों को ऐसी सुविधाएँ मिले जिससे वो काफ़ी समय से वंचित है। हालांकि मध्य प्रदेश में यह माना जा रहा है कि जो आदिवासी वोट बैंक है वो एक ऐसा मुकाम रखते हैं कि किसी भी पार्टी को हार और जीत की ओर ले जाने में वह वोट जो है वो काफ़ी काम के होते हैं। वहीं कांग्रेस भी अब इसी राह पर चल चुकी है और आदिवासी वोट बैंक को साधने की वो भी पुरजोर तैयारी कर रही है। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।